मैं तो बच्चों, कैसे आप सब लोग? आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है डॉक्टर जिराफ। एक बार एक जंगल था। उस जंगल में भालू, हिरन, खरगोश, गिलहरी और बंदर रहते थे। वो सब अच्छे मित्र थे, आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। आपस में मिलकर खेलते, कूदते और मजे करते थे। सब अपना अपना भोजन भी मिल बांट कर खाते थे। सोमवार और मंगलवार, ये सप्ताह के 2 दिन है। सोमवार और मंगलवार को हिरन खेलने नहीं आया, तो खरगोश ने कहा, अरे 2 दिन हो गए, हिरन भाई दिखाई नहीं दिए। इस पर बंदर ने कहा, चलो देखते हैं क्या हो गया। उसके बाद आया बुधवार। बुधवार, वेडनेसडे, ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। अचानक देखा, हिरन एक झाड़ी में उदास बैठा है। गिलहरी ने आकर पूछा, हिरन भाई क्या हो गया, तुम खेलने नहीं आते हो? इस पर हिरन ने बोला, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। ऐसा होता है, जब तबीयत अच्छी नहीं होती तो हमारा खाने का भी मन नहीं करता है। इस पर भालू ने कहा, चलो डॉक्टर जिराफ को दिखाते हैं, वे तुम्हें दवाई दे देंगे। बृहस्पतिवार मतलब थर्सडे, बृहस्पतिवार को हिरन को डॉक्टर जिराफ के पास ले जाते हैं। डॉक्टर जिराफ उसे दवाई देते हैं और कहते हैं, तुम्हें थोड़ा बुखार और कमजोरी है, मैं दवाई दे देता हूँ। दिन में 2 बार यह दवाई, एक एक चम्मच लेना। हरी सब्जियां और फल खाओ, तुम बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। स्वस्थ मतलब एकदम तंदुरुस्त, ठीक। शुक्रवार, हिरन सब्जियां खाता है। शनिवार, वो फल और शहद भी खाता है। अब वो बिल्कुल अच्छा हो जाता है। शनिवार तक हिरन की तबीयत बहुत अच्छी हो जाती है और वो अपने दोस्तों से कहता है, धन्यवाद धन्यवाद मेरे मित्रों, तुम्हारी मदद और देख रेख से अब मैं स्वस्थ हो गया हूँ। और रविवार को फिर से सब मिलजुल के खेलने लगते हैं। तो बच्चों, हमने इस पूरी कहानी में हमारे सप्ताह के 7 दिनों के नाम जाने। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और ये भी जाना कि सब्जियां और फल हमारे लिए कितनी सेहतमंद है। वो हमें जरूर खानी चाहिए, उनसे हमारे शरीर को ताकत मिलती है। क्या आप जानते हैं, फलों में सेब, सेब जो होता है, सेब के फल में जादू का असर होता है। अगर आप रोज एक सेब खाते हैं तो आपको कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है। ये आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है। उसके बाद है केला। केला आपको पता है, सारे खिलाड़ी जो लोग होते हैं, स्पोर्ट्समैन जो भी स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनका फेवरेट मतलब प्रिय भोजन है। केला खाने से शरीर में ताकत बनी रहती है और दिमाग भी चुस्त रहता है और बहुत जल्दी आपको भूख भी नहीं लगती है। इसके बाद है गाजर। गाजर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। हमारी आंखें जो हैं वो गाजर खाने से बहुत अच्छी रहती हैं। गाजर का जूस पीना चाहिए या फिर सलाद में खाना चाहिए।
है शहद। शहद को सबसे पुरानी मीठी चीज माना जाता है। जब शक्कर गुड़ ये नहीं बने थे तो उस समय जो शहद था वो ही एक मीठी चीज में आता था। शहद को खाने से भी हमें ताकत और शक्ति मिलती है। ठीक है, उसके बाद है दूध। दूध तो हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूध अपने आप में पूरा एक भोजन होता है, पूरा खाना होता है। इसमें कैल्शियम होता है और ये कैल्शियम जो है वो हमारे दांतों को और हड्डियों को मजबूत बनाता है। तो हमें अपने खाने में अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना खाना चाहिए। हर सब्जी फल इन सब को हमें खाने में लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर ताकतवर और स्वस्थ बना रहे। धन्यवाद। Thank you.